1000 से ज्यादा सीमेंट के कट्टे बह गए, जब शटरिंग प्लाई थी बड़े सब ढेर सामान बह गया, पर मौका ही नहीं मिला, इतना सामान निकालते निकालते पानी आ गया ज्यादा। चार चार जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, गोला आई तो सारा यहाँ पर बह गया है। ये देखो यहाँ से पूरा भूकटाव हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, काफी तेज है यहाँ पर। ये देखिए तो नीचे से कितना यहाँ पर खोखला बना दिया इसने। हेलो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर का जो गोला पुल है उसके जस्ट समीप, जहाँ पर ये रेलवे ट्रैक का जो काम चल रहा है, जो पिछले साल यहाँ पर रेलवे ट्रैक बह गई थी और इस साल भी यहाँ पर काफ़ी कुछ बह गया है, सारा कुछ बताऊँगा। अभी मैं ठीक हूँ यहाँ पर, जो गोला पार का जो ट्रैक है, यहाँ पर जो फाटक है उसके ठीक समीप खड़ा हूँ। यहाँ से वीडियो बनाऊँगा कि अभी दो तीन दिन का जो भी बारिश हुआ था, उस बारिश में यहाँ पर क्या क्या घटा है और किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर कितनी गोला अभी है, सारा कुछ बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बता देता हूँ, ये है फाटक, रेलों का फाटक, सामने झोपड़ियाँ दिख रही होंगी और ये देखिए गोला पार को जाने के लिए पुल सामने, और ये आपको दिख रही होगी गोला नदी, और ऊपर साइड का भी आपको मैं क्षेत्र दिखा रहा हूँ। देखिए ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन, वहीं से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर दो चार दिन से काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होने के कारण काफ़ी यहाँ पर भुकड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए ये इसको बचाने के लिए यहाँ पर रोड़ियाँ वगड़े लाई जा रही हैं, गोला से इनको डैम्परों की मदद से यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ जेसीबी मशीन कंटिन्यू यहाँ पर काम कर रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जेसीबी मशीनें यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रही है, इसको भ्रान कर रही है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ पर, जब धूप लगी हुई है, जब यहाँ पर बारिश नहीं है, उस दौरान यहाँ पर काम पूरा कर लिया जाए और यहाँ से आने वाले बरसात में इसको रोका जाए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर वगैरह ये भी हैं, तो आपको मैं ज़रा नीचे चल के और दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ और यहाँ पर क्या क्या बहा ये लोगों का, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। बने रहे आप मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैं यहाँ पर पल पल की अपडेट देते रहूँगा कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। देखिए यहाँ पर जो ये दो दिन तीन दिन पहले यहाँ पर गोला आए थे, इनका जो काम चल रहा था, यहाँ के जो ये हमारे ड्राइवर साहब थे ट्रॉली में जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे जरा हम पूछेंगे कि यहाँ पर जब गोला आई तो कितना नुकसान हुआ, ये खुद ही बताएं। क्या नाम आपका सर? निखिल नाम है सर। निखिल जी यहाँ पर कितना नुकसान हुआ आपको? अरे नुकसान हुआ, 1000 से ज्यादा सीमेंट के कट्टे बह गए। 1000 सीमेंट के कट्टे बहे, और एक और था जगलेटर, तीन चार जगलेटर बह गए। क्या होता है जगलेटर? बह गए सब नदी में। होता क्या है वो, क्या बोलते हैं? ये जगलेटर जो चलता नहीं है, रखा है एक जगलेटर, देखो जनरेटर, जनरेटर ना, जगलेटर नहीं है, जनरेटर बोलते ना उसको। आप बोलना नहीं आ रहा, कोई नहीं, जनरेटर चार बह गए। हाँ, चार जगलेटर बह गए और टीन सेट था पूरा, गिट्टी बालू रेता था सब बह गया, सरिया और सरिया भी बह गया, सरिया बह गया, शटरिंग प्लाई थी बड़े सब ढेर सामान बह गया साहब। और जो यहाँ पर स्पार के लिए जो गड्ढा खोदा पूरा भर गया। हाँ, पूरा भर गया सर। अच्छा, तो आपने उसको ऊपर क्यों नहीं निकाला जनरेटर वगैरह को? पर मौका ही नहीं मिला, इतना सामान निकालते निकालते पानी आ गया ज्यादा। अच्छा। लेबर आदमी सब भाग गए, बाहर आ गए, छूट गया उसी में। तो सर यहाँ पर कितना नुकसान हुआ ठेकेदार को यहाँ पर? अरे काफी नुकसान हो गया। कितने करोड़ का? करोड़ तो नहीं, लाखों का हुआ लगभग, अंदाजा मोटा माता। अरे 10-12-15 लाख का, 15 लाख का नुकसान हो गया। तो आने वाले समय में क्या देखेंगे इसको? अब देखो साहब लोग क्या करते हैं सब। अभी तो ये काम इतना लेट क्यों हुआ? लेट का काम तो बराबर हो रहा साहब, बस यही बारिश के मौसम में थोड़ा ये हो जाए, बंद हो जाए। इस पर उगरा कितने बहे आपके, एक ही बहा या और भी बह गए? एक ही इस पर बहा, 6 इस पर वाला बह गया। अच्छा, उधर वाला लास्ट 6 नंबर वाला। चलो ठीक है। तो गाइस आपने देखा होगा यहाँ पर काफी नुकसान हो गया ठेकेदार को, काफी कुछ यहाँ पर बह गया है, सीमेंट के कट्टे बह गए हैं, वो जो छोटे छोटे जो जनरेटर होते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो जनरेटर यहाँ पर बह गए हैं। इनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला यहाँ से हटाने का, इतनी जल्दी यहाँ पर पानी आ गया कि इनको बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं मिला कि समय रहते ही इनको हटाया जाए, क्योंकि बहुत तेज पानी आ गया। और ये देखिए मजदूर वगैरह जो थे वो सब चले गए, क्योंकि जान तो बचानी है ना, ये तो नहीं कि वहाँ पर रहेंगे, अब काम कौन करेगा, काम करने वाले तो सब भाग गए ना, क्योंकि इतनी जल्दी पानी आया कि यहाँ पर इनको बिल्कुल मौका नहीं मिला कि हम लोग सामान को हटाएं। सरिया वगैरह सारा कुछ बह गया, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जरा नीचे से दिखा देता हूँ। मैं गोला के एकदम समीप हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंटिन्यू यहाँ पर काम हो रहा है, ताकि जितना ये बचा हुआ है ऊपर का, इसको बचाने के लिए जितनी धूप है, यहाँ पर तीन तीन चार चार जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, कंटिन्यू यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, जैसे जैसे यहाँ पर समय रहे और जितना बचा हुआ है उसको काम क्लियर किया जाए। अभी मैं काफ़ी नीचे ग्राउंड पर आ गया हूँ, जहाँ पर ये
गोला बह रही है काफी नजदीक से। ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, ऊपर से जितना भी अभी भूकटाव होने वाला है उसको रोकने के लिए। ये देखो यहाँ पर भी छोटी जो जेसीबी मशीन है उसमें जो भी रोड़े उगरा है सब यहाँ पर भरे जा रहे हैं, उसको भरने के बाद यहाँ पर ऊपर भरान किया जाएगा। ये देखिए यही वो जनरेटर थे, इसी तरह के बहुत सारे जनरेटर भाई ने अभी बताया वो बह गए हैं। ये देखिए और यहाँ का क्षेत्र, ये देखो गोला एकदम लबालब आई है। यहाँ तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि गोला से अब कटाव यहाँ को नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल कटाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मजबूती से दीवाल है और बीच में थोड़ा छोटा हुआ है क्योंकि इनको आने जाने के लिए रखा था। और यहाँ को देखिए इधर कंटिन्यू मशीन काम कर रहे हैं। उस सामने भी थोड़ा सा ना दसाव हो गया है, वो देखो थोड़ा सा जमीन कट गई है वहाँ पर, वो दिख रहा है आपको, वो भी कट गई है वहाँ पर। गोला काफ़ी तेज है, काफ़ी नज़दीक से मैं आपको आप ये गोला दिखा रहा हूँ। ये देखो इनका यहाँ पर टीन सेट था, यही वो जगह है जहाँ पर वो बुलबुले फट रहे हैं। यहीं पर ये भाई लोगों का टीन सेट था, रेता था, बजरी था और सीमेंट था, कंकर वगैरह बड़े बड़े कंकर थे, गिट्टी थे और सेटरिंग का सारा सामान था यहाँ पर। लकड़ी प्लाई वगैरह भी थी ना, प्लाई वगैरह लकड़ी वगैरह सारा कुछ, छोटे मोटे सामान भी थे इनके, वो जितने लाए लागे बाकी यहाँ पर सब बह गए। ये तो निकाल दिया ना शायद? नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा हाथ आया बस। अच्छा बाकी नीचे का सब बह गया? सब बह गया। अच्छा तो गाइस यहाँ पर लाखों का यहाँ पर ठेकेदार का सामान बह गया है एक गोला में आने से। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि लेबर तो थे नहीं, क्योंकि उसमें पानी आ रहा था तो भाग गए ना फटाफट। आप भाग गए क्या जिसमें? तो कितना सामान निकाला आपने? सामान यही थोड़ा सा हाथ आया, बाकी तो सब बह गया। अच्छा अच्छा तो पहले से क्यों नहीं निकाला? जब पहले से बारिश आ रही थी, जैसे पानी बढ़ रहा था वैसे निकालते जा रहे थे, अचानक हो गया, मतलब निकालने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा तो आपने सोचा था इतना गोला आएगा यहाँ पर? हम तो सोच रहे थे थोड़ा ही पानी आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक आएगा पानी अभी? पानी आ गया सर। अच्छा यहाँ तक आ गया था कल? तो गाइस देखिए यहाँ तक तो सामान सारा बह गया। खाने पीने का भी सामान था? नहीं नहीं खाने का नहीं था, लेकिन ये मटेरियल बहुत था। मैं देख रहा हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो चश्मदीद है, जो लेबर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये जितना भी थोड़ा सामान था ये बचा लिया, जितना हाथ आता था उतना लगभग ये बचा लिया, जितने भी यहाँ पर ये सरिया वगैरह थे बचा लिया, और पीछे जितने भी जनरेटर थे शटरिंग का प्लाई वगैरह था वो बचा लिए, जितना नहीं बचा पाए वो सारा कुछ यहाँ पर बह गया क्योंकि पानी इतना तेज आ गया, इतना तेज आ गया कि मतलब बचाने का टाइम ही नहीं मिला इनको। अभी मैं इधर वाले छोर पर आ गया हूँ जहाँ से इन्होंने स्पर बनाए हुए थे, वो सामने से जो स्पर बनाए हुए थे आपको मैं जरा दिखा रहा हूँ। वहाँ पर एक कोने से वहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर दो तीन स्पर और बनाए हुए थे, सारे स्पर जब यहाँ पर गोला आए तो सारा यहाँ पर बह गया है। ये देखो यहाँ से पूरा भूकटाव हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, इतना यहाँ पर गोला ने यहाँ पर पूरा काट दिया गया है। ये देखो स्पर वगैरह ऐसे इस तरीके से यहाँ पर बहे हुए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इतना तेज पानी है यहाँ पर, यहाँ से तो चलो उतना खतरा है नहीं है, यहाँ पर दीवार वगैरह इन्होंने काफ़ी मजबूत लगा दिए हैं। ये देखो इतना भयंकर, यहाँ से अगर ये दीवारें नहीं होती तो और यहाँ पर कितना कटाव कर देता ये, तो ये दीवार लग गई इसकी वजह से ये बच गया है। देखो ऐसे कैसे तहस नहस पड़ा है सब, ये इस पर है दो नंबर, तीन नंबर, एक दो तीन नंबर, वो वहाँ पर जो मैंने पहले दिखाया था वो पूरा मिट्टी में समा गया है, इतना कटाव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कटाव हो गया है यहाँ पर। देख रहे हैं आप इतना कटाव हो गया है, तो इसको अब जब पानी कम होगा तभी वहाँ से कुछ रोकथाम हो सकती है, वरना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि पानी अभी काफ़ी तेज है यहाँ पर। ये देखिए देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर चल रहा है काम, भाई लोग कर रहे हैं काम यहाँ पर ना, चकडाम बनाया जा रहा है तो तारों की वजह से यहाँ पर गिट्टियाँ वगैरह डाली जा रही हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ से पानी का जो कटाव है ना उसको रोका जाए, कैसे भी पानी का कटाव को रोका जाए क्योंकि ये मेन जगह वही है जहाँ से पानी आगे को फ्लो होगा। तो यहाँ पर से अगर ये दीवारें वगैरह चकडाम वगैरह लगा देंगे तो यहाँ से पानी उधर का हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है। जेसीबी की मदद से यहाँ से गिट्टियाँ वगैरह बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं और यहाँ पर चकडाम बनाया जा रहा है। देखो ये भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम, गर्मी काफ़ी है यहाँ पर। ये देखो नीचे से कितना यहाँ पर खोखला बना दिया इसने, देखो यहाँ से देखो पूरा पूरा जाल वगैरह सारा निकाल दिया, तो यहाँ पर अभी जाल वगैरह से इसको बनाया जा रहा है, काफ़ी मजबूती से इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा इधर को आ गया हूँ, ये देखिए यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और ये देखिए इनको भी यहाँ पर खतरा है, अगर बहुत दशा हो गया तो ये भी पूरा यहाँ से चला जाएगा। देखो कितना भूत दशा हो गया है, कितना यहाँ से कट चुका है ये एरिया, देख रहे हो आप। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, देखो पटरी ज़्यादा दूर है नहीं, काफ़ी नज़दीक है पटरी, क्योंकि ये देखो ये कल का जो पूरा ये देख रहे हैं पूरा दरार से आ गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ तक भरान था, भरान किया हुआ था यहाँ पर ठेकेदार ने,
ये देखो पूरा मिट्टी रिसाव हो गई, वो देख रहे हो आप वहाँ पर, मतलब अभी भी कोर रहा है पानी वहाँ से, ऐसा बैक आ रहा है, आगे जा रहा है फिर बैक आ रहा है, वहाँ से इधर को आ रहा है पानी, पहले यहाँ से नीचे को फिर वहाँ से इधर फिर नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर चल रहा है काम। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग मिलते हैं कोई ऐसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, अभी गोला नदी से वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।